आजकल लोग शादी के कार्ड में परिवार के लोगों तक का नाम छोड़ देते हैं, लेकिन सागर के एक युवक के द्वारा छपवाए गए शादी के कार्ड चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसमें उसने अपने परिवार और बच्चों के साथ कुत्तों के नाम भी भोंभो पार्टी के नाम से छपवाए हैं। जिस तरह से शादी कार्ड में बच्चा पार्टी नटखट पार्टी का नाम होता है, वैसा ही अपने शादी कार्ड में भोंभो पार्टी को नाम दिया है। इसमें रॉकी, जोजो, कालू और लालू के नाम शामिल हैं। इसी वजह से यह शादी का कार्ड सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, ये डॉग संगीत से लेकर हल्दी की रस्म तक और दूल्हे की निकासी से लेकर मंडप तक साथ में दिखाई दिए। दूल्हे के साथ इन्होंने जमकर डांस भी किया। सगाई के समय भी यह मंच पर दूल्हा दुल्हन के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आए। दरअसल सागर के रानीपुरा में रहने वाले यशवंत उर्फ राहुल की शादी 21 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के महरौनी की चंचल रैकवार से हुआ था। 27 जनवरी को उनको सगाई भी हुई थी, जिसमें रॉकी और जोजो भी महरौनी गए थे। बाकायदा मंच पर दूल्हा दुल्हन के साथ उनकी तस्वीर भी खींची गई थी। हमने उनके नाम इसीलिए लिखवा दी क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। क्या हुआ था, मतलब कैसे इनसे जुड़ा हुआ, कोई घटना हुई हो बताए? हाँ, एक घटना हुई थी हमारे, हम अपने फ्रेंड को छोड़ने जा रहे थे, मछरे आई तो हम पल्सर गाड़ी से थे, सो हम सीधे जा रहे थे तो एक छोटा सा पिल्ला था वो हमारी गाड़ी के नीचे आ गया था, हमारी गाड़ी के टायर चढ़ गया था उसके ऊपर, सो हम बहुत घबरा गए थे। फिर हमने देखा उस पिल्ले को, तो देखा तो वो कुछ नहीं हुआ था उसके लिए। फिर हमने सोचा जब ये बच गया है तो इसके लिए हम घर ले जा रहे हैं। फिर जब से लेके आज तक 4.5 साल हो गए हैं, ये समझ लो अपनी बच्चे समान रहता है, जैसे बच्चा होता है ना, उससे भी ज़्यादा वैसे ही है। मतलब अभी शादी वगैरह में ले गए थे आप? शादी तो अभी हुई है, हम तो सगाई में भी ले गए थे, 27 जनवरी को हमारी सगाई हुई थी ना, तो हम इसके लिए महरौनी ले गए थे, तो सगाई में स्टेज पे थे। अच्छा, ये दोनों थे। अच्छा, अभी जो बारात में हुआ तो इनको कहाँ कहाँ शामिल किया था आपने? बारात में ये हमारी लिए गंगमन तक छोड़ने गया था, बग्घी तक छोड़ने गया था, फिर उसके बाद बग्घी तक हमें छोड़ने गया था, फिर ये बारात में भी आया था, फिर घर फिर चला गया था। मतलब इसने 7-8 चक्कर मारे थे और ये मंडप के नीचे भी था, और जब हम लोग सगाई में गए थे ना तो इसके अलग से टीके भी हुए थे, अलग से टीका होते हैं ना सबके। दूसरे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम? दूसरे लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हम जब कहीं से जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कोई भी जानवर है भाई, जैसे कोई कुत्ता है यार, वो तो अपने भरोसे है, जैसे अपन भगवान के भरोसे हैं तो वो भाई अपने भरोसे, हम देखते हैं कि यार किसी की कोई टांग तोड़ देता है भाई, कोई किसी को मार देता है यार, वो तो बेजवान जानवर हैं यार, अब उन्हीं पे आदमी ऐसा करते हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यार भैया तुम खोवा नहीं सकते उनको, तुम मारने का भी कोई हक नहीं है, आज तुम मारोगे, इसलिए तो ये घटनाएं होती हैं। आदमी देखता है कि यार इसका एक्सीडेंट होगा, इसका पैर टूट गया, इसके साथ गलत हो गया, तो इसने भी कल किसी के साथ गलत किया था ना, किसी के पैर तोड़ा था, टांग तोड़ दी थी, आज उसके साथ गलत हो गया, बराबर सी बात है। ठीक है।